नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बर्ड क्लियर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इन द वीडियो सीरीज ऑफ डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल ओमेगा नोटेशन के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने सीखा था व्हाट डू यू मीन बाय एसिम्प्टोटिक नोटेशन। हमने बिग ओ नोटेशन के बारे में देखा था, बिग ओमेगा नोटेशन, स्मॉल ओ नोटेशन, थीटा नोटेशन के बारे में डिटेल में बात करी थी। तो आज के इस वीडियो में कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिटिल ओमेगा नोटेशन के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल ओमेगा नोटेशन के बारे में। सो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी, अब बिना किसी देर के बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे लिटिल ओमेगा नोटेशन के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल ओमेगा नोटेशन के बारे में। सो ये कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो जैसा ही है जिसमें हमने सीखा था स्मॉल ओ नोटेशन। सो स्मॉल ओ नोटेशन सिमिलर होता है बिग ओ नोटेशन के बारे में। सो दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो स्मॉल ओ नोटेशन है, और यू कैन से लिटिल ओ नोटेशन, या फिर हम कह सकते हैं लिटिल ओमेगा नोटेशन, ये इतनी ज्यादा यूजफुल नोटेशन है नहीं। हम बेसिकली तीन टाइप की नोटेशन ही ज्यादातर प्रीफर करते हैं, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। सो वी आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फॉर नॉलेज ओनली। अगर आप चाहते हो तो आप ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। सो लिटिल ओमेगा नोटेशन बिल्कुल सेम है लिटिल ओ नोटेशन की तरह ही, लेकिन थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। सो द लिटिल ओमेगा नोटेशन डिनोट द लोअर बाउंड दैट इज नॉट एसिम्प्टोटिकली टाइट। सो क्या पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू डिनोट द लोअर बाउंड दैट इज नॉट एसिम्प्टोटिकली टाइट। सो हमारा क्या है पॉइंट है दोस्तों, इट इज यूज टू डिनोट द लोअर बाउंड दैट इज नॉट एसिम्प्टोटिकली टाइट। ये पॉइंट हमने अपनी पिछली वीडियो में भी स्टडी किया था। सो ये कंडीशन है, अगर एफ ऑफ एन बिलोंग करेगा लिटिल ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। सो ये कंडीशन कब इम्प्लीकेबल होगी, कब एप्लीकेबल होगी, इफ एंड ओनली इफ जी ऑफ एन बिलोंग करेगा लिटिल ओ ऑफ एफ ऑफ एन। सो ये पर्टिकुलर कंडीशन हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखी थी। अगर आपको ये कंडीशन नहीं आती तो आप पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, वहां पे हमने डिटेल में ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझा था स्मॉल ओल्ड नोटेशन या फिर लिटिल ओल्ड नोटेशन के बारे में। सो आज के इस वीडियो में हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं। सो देखो, सो हम डिफाइन कैसे करेंगे इसे, आप एक बार कंडीशन देखो, द फंक्शन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू लिटिल ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी एन एन नॉट सच दैट एफ ऑफ एन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी डॉट जी ऑफ एन विच शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो हम क्या कह सकते हैं, जो एफ ऑफ एन होगा वो हमेशा बड़ा होगा सी डॉट जी ऑफ एन से, और सी ऑफ जी ऑफ एन हमेशा जीरो से बड़ा होगा। और कॉन्स्टेंट वैल्यू सी इज ग्रेटर देन जीरो, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, और एन नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। सो इस कंडीशन के लिए ये चीज एप्लीकेबल होगी। और मैं क्या कह सकता हूँ, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू लिटिल ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। सो इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, लिटिल ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। सो आगे आपको इसे प्रोनाउंस करना। सो कितना आसान कॉन्सेप्ट है ना। सो दोस्तों, ये बिग ओमेगा नोटेशन की तरह ये कॉन्सेप्ट, लेकिन बिग ओमेगा नोटेशन की कंडीशन में हम टाइट अपर बाउंड भी प्रिफर कर सकते हैं, और वी कैन से दैट अ लोअर बाउंड दैट इज एसिम्प्टोटिकली टाइट। लेकिन स्मॉल ओमेगा के कॉन्सेप्ट में हम वो लोअर बाउंड प्रिफर नहीं करते जो एसिम्प्टोटिकली टाइट हो, हम वो लोअर बाउंड प्रिफर करेंगे जो कि एसिम्प्टोटिकली टाइट नहीं होगा। अब ये कंडीशन आपको समझ में आई। सो एक काम करते हैं दोस्तों, एक दो एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर बाई टू। अब मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ स्मॉल ओमेगा ऑफ एन से, बिकॉज ये क्या है, एसिम्प्टोटिकली लोअर बाउंड नहीं है, मीन्स इट इज नॉट
lower bound which is asymptotically tied. और वी कैन सिंपली से दैट इट इज अ लोअर बाउंड दैट इज नॉट एसिम्प्टोटिकली टाइट. लेकिन दोस्तों अगर मुझे इसे बिग ओमेगा नोटेशन के कॉन्सेप्ट में डिनोट करना है तो मैं क्या कह सकता हूं, इट इज बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर. अब आप मुझे बताओ कौन सी कंडीशन सही है. अब आप क्लियरली देख सकते हो उसे कि आई कैन रिप्रेजेंट एफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर बाय टू एज बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर. लेकिन मैं उसे स्मॉल ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर नहीं रिप्रेजेंट कर सकता बिकॉज इट इज नॉट यूज with asymptotically tight values. So आपको समझ में आया concept? So omega notation is used to denote a lower bound that is not asymptotically tight. लेकिन इस condition में क्या हो जाएगा, ये asymptotically tight हो जाएगा. So this condition is wrong. But this condition is right. So मैं कैसे denote कर सकता हूँ इसे, omega of n से denote कर सकता हूँ. ये बहुत आसान concept है और small o की तरह ही है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है. So अब हम एक point देख लेते हैं. अगर मेरी n की value infinite tend हो जाती है सो तब क्या कंडीशन आएगी, सो जानते हैं. सो क्या पॉइंट है दोस्तों मेरा, ध्यान से देखो. द फंक्शन एफ ऑफ एन बिकम्स आर्बिट्रेरली लार्ज, मतलब मेरा फंक्शन एफ ऑफ एन बहुत ज्यादा लार्ज बन जाता है रिलेटिव टू जी ऑफ एन एज एन अप्रोचेस इंफिनिटी. सो इसका हम मीनिंग देखते हैं. सो अगर मैं एक लिमिट ले रहा हूं एन टेंड्स टू इंफिनिटी, सो मेरा जो फंक्शन है एफ ऑफ एन रिलेटिव टू जी ऑफ एन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बिकम्स आर्बिट्रेरली लार्ज. सो मैं क्या कह सकता हूँ, इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी और यू कैन से इट इज नियरली इक्वल. और हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली इक्वल है क्योंकि हम सफिशियंटली लार्ज वैल्यू पे लिमिट टेंड्स कर रहे हैं. सो फॉर स्मॉल ओमेगा नोटेशन और यू कैन से लिटिल ओमेगा नोटेशन, लिमिट्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन अपॉन जी ऑफ एन विल ऑलमोस्ट रिजल्ट इन इन्फिनिटी और विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी. सो ये पॉइंट समझ में आया आपको, कितना इजी कॉन्सेप्ट है. सो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि स्मॉल ओ नोटेशन और लिटिल ओ नोटेशन और वी कैन से लिटिल ओ नोटेशन या फिर लिटिल ओमेगा नोटेशन, इनका ज़्यादा यूज नहीं होता. इनका यूज मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बता दिया है. जो हमारी तीन इंपॉर्टेंट नोटेशन है वो है बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन एज वेल एज थीटा नोटेशन. सो दोस्तों अगली आने वाली वीडियो में हम इन सबकी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन. सो हम डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी देखेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी और ढेर सारे एग्जांपल्स या फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड. सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन. मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ. सो स्टे ट्यून्ड.